एवं स्विंग ट्रेडिंग जसपाल में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी ब्रेकआउट स्टॉक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पे जितने वीडियो बनते हैं अगर आप चाहते हो कि एक भी वीडियो मिस ना हो तो आपको बेल आइकन का बटन दबा के रखना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी, नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी तो वीडियो भी मिस नहीं होगी। तो चलिए हर रोज की तरह आज जो स्टॉक है, दो स्टॉक है एक्चुअल में, एक स्टॉक है ब्रेकआउट स्टॉक, एक स्टॉक है जो अपने हाई से लगभग 50% टूट चुका है। आने वाले टाइम में क्या मोमेंटम दिख सकता है, काफी क्वेश्चन आ रहे थे उसके ऊपर में कि सर उस पर एक वीडियो बना के दिखाइए, तो उस स्टॉक के ऊपर लेके आए हैं, दो स्टॉक है। तो सबसे पहले जो ब्रेकआउट स्टॉक है उस पर नजर डालते हैं। देखिए KM शुगर मिल्स लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस 43 रुपीज, मल्टी ईयर्स हाई के आसपास ये तोड़ने जा रहा है, यानी कि बिग 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 ब्रेकआउट। तो अभी इस पे क्या सेटअप बना, देखिए यहाँ पे क्या है इसका, देखिए वीकली टाइम ऑफ फ्रेम खुला हुआ है, आप ध्यान से देखो जब इसका 2016 में 15 में इसकी लिस्टिंग होती है, 4 रुपया का स्टॉक कहाँ चला जाता है, 36 से 37 रुपया एक साल के अंदर में, यानी कि आपको अगर 10x रिटर्न मिलता है एक साल के अंदर में तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। वहां पे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, कहाँ तक आई थी, जहां से चलना चालू होता है कोविड के टाइम पे वहीं पे, और काफ़ी यहाँ पे क्या आता है ना, यहाँ पे 2018 से लेके 2021 तक ये यहाँ पे काफ़ी लंबा यहाँ पे एक टाइम बिताता है। यहाँ पे देखिए नीचे में, देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया, उसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया था, देखिए 12 रुपये का स्टॉक कहाँ चला गया था, 37-38 रुपये कहाँ पर जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, जहाँ इसका पिछला हाई था। तो यहाँ पे देखिए बातों को जरा नोट डाउन कीजिएगा, 37 से लेके 40 रुपया देखिए इस जोन पे जब जब आ रहा था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। आप देख सकते हो कोई भी एक वीकली कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो वो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, सिर्फ एक कैंडल, इस कैंडल को छोड़ के 38-37 रुपये के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। अब की बार देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए नीचे में देखिए वॉल्यूम, तगड़े वॉल्यूम और कैंडल का साइज, देखिए ये कैंडल का साइज ही बता रहा है कि भाई साहब अब तो हम जाएंगे ऊपर, अगर किसी में दम है तो रोक के दिखाओ। देखिए अभी क्या है, ये मल्टी ईयर हाई के आसपास ये तो तोड़ने जा रहा है, तो ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं होगा, ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर है, ये किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये ऑनली लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो बना रहे, पोस्ट कर रहे, कुछ भी लेना है खुद का डिस्क्लेमर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा अभी मैं उस पर बताते हैं, वीकली आपने देख लिया, मंथली पे दिखाते हैं आपको, देखिए मंथली पे आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर समझ आएगी। देखिए देखिए मंथली पे क्या था ना, इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब की बार इसने मंथली पे इस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट आप समझ लो कि क्लोजिंग देने जा रहा है, और अभी क्या है इसके लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा, ये 45-46 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस जो इसे अब की बार ये काटने जा रहा है। अभी क्या होगा इस लेवल के आसपास, यानी कि जैसे ही थोड़ा सा भी डिप मिलेगा 40 रुपये के आसपास, 42 रुपये के आसपास, जहाँ पे अगर इसे डिप मिलेगा यहाँ से बायर इसे एक्यूमुलेट करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट 55, सेकंड टारगेट 65, यानी कि अगर आप परसेंटेज वाइज में देखोगे तो 50% आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ से आने वाले 4 से 6 महीनों में, और अगर इसे कोई पेशेंस के साथ थोड़ा होल्ड करेगा तो यहाँ से डबल रिटर्न देगा, क्योंकि जो भी लंबे टाइम के बाद यानी कि सालों साल जो रेजिस्टेंस फेस करते हैं जब उसको ब्रेकआउट देता है मिनिमम 50% वो देते ही देते हैं। आप मेरा वीडियो जाके देखो रिको ऑटो, मैंने बताया था कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तोड़ने जा रहा है, उसने वहाँ पे ब्रेकआउट दिया शानदार रिटर्न, एजिस केमिकल मैंने बताया था उसने दिया तोड़ा शानदार रिटर्न, SMS फार्मा पे बताया था हजारों, मैंने आप मेरे पोर्टफोलियो में जाके देखो जो हमारे चैनल में, वहाँ पे जाके देखो जितने वीडियो हैं वो ज़्यादातर जो वीडियो हैं जो बताते हैं उसके टारगेट कैसे हिट होते हैं। और कल जो हम लोगों ने 2 दिन पहले जो दिया था कॉस्मो लिमिटेड, उसने भी आज अपना टारगेट हिट किया है। तो देखिए अगर आपके टारगेट हिट करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी आनी चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो भगवान ही फिर आपको बचा सकता है स्टॉक मार्केट में। जब आपने किसी टाइट टाइम पे जैसे यानी कि कोई स्टॉक एक्टिव होने वाला है आपने उसमें एंट्री कर ली है, तो जब वो प्रॉफिट में जब जा रहा है, जब वो वहाँ पे बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पे मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, अगर वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत है। तो ये स्टॉक था
जो काफी शानदार है। सेकंड स्टॉक दिखाते हैं, काफी डिमांड है इस स्टॉक की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, 159 रुपीज। अभी इस पे क्या हो रहा है उस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए ये क्या था ना, ये एक चैनल में फंसा हुआ, आप देख सकते हैं, ये एक देखिए ये चैनल बना के रखा है मैंने, एक चैनल, ये वीकली टाइम ऑफ फ्रेम है, ये इसी चैनल के अंडर में अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो अभी इस पे क्या हो सकता है उस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए इस पे जो है ना, इस पे ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, इसमें ब्रेकआउट आएगा। अभी देखिए नोट डाउन करिए कुछ बातों को कि ब्रेकआउट कब आएगा कब नहीं आएगा। देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करेगा, अब ट्रेंड लाइन किसी को पता होनी चाहिए क्या है इसमें, यहाँ पे क्या है 175 रुपीज़ के ऊपर आपको क्या चाहिए, वीकली क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग, इसके ऊपर अगर ये कैंडल बनेगी तो यहाँ से जो मिनिमम, जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 50% आपको यहाँ से रिटर्न बनेगा। आप अगर इसे साल भर होल्ड करोगे, 175 के ऊपर आपको मंथली क्लोजिंग आनी चाहिए, 50% आपको रिटर्न बनेगा। तो अभी तो इस पे ये भी किसी देगी बाइसल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये लर्निंग के लिए बता रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और जब इसके ऊपर जब ये निकल जाएगा तो फिर ये इसके नीचे आना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, इसने एक बहुत लंबा टाइम ले लिया। अभी 2021 में एक टॉप लगाता है 315, आज 160 रुपये का, यानी कि 50% अभी डिस्काउंट रेट पे भी मिल रहा है, टाइम भी इसने 3 साल बिता ही लिया है। तो अभी क्या करेगा ये, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ये कहाँ तक जाएगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये इस लेवल तक जाएगा मगर उसके लिए क्या चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। तो अभी जो लेवल जो मैं बता रहा हूँ 6 से 8 महीनों में 215, 245, ये दो लेवल आने को उससे पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि जो मैं लेवल देता हूँ कॉस्मो पे मैंने लेवल दिया ये 2 से 3 महीनों में आएंगे, वो लेवल 2 दिन में आ जा रहे हैं। सोलारा में बताया आपको, तो कैवरी सीड में बताया कि इसमें लेवल आएंगे, फर्स्ट लेवल ऑलमोस्ट अचीव हुआ। अमल पे बताया, मैंने काउंटिंग नहीं हो रही कितने में बताया, काफ़ी स्टॉक बताते हैं जिसका लेवल हिट होते हैं। आप जाके ज़रूर एक बार चेक करो चैनल पे, और थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा मार्केट में। मार्केट हमेशा आप चाहोगे कि किसी ट्रेड में आप घुसो आपको तुरंत रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए इस मार्केट में, और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे ऐसे ही वीडियो देखने के, चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।